والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں یا رب صلی وسلم دائماً ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب محبت نال ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو بزرگو عزیز دوستو اج پہلی مرتبہ تہاڈی اس جامع مسجد دے اندر کوٹلی پلاٹ باجوہ دے اندر محترم چودھری عمران عارف صاحب دی دعوت تے حاضری ہوئی ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے او مالک لم یزل ساڈے ساریاں دا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے پہلے نمبر تے تے بتی نے جا کے ماحول نوں ڈسٹرب کر دیتا ہے دوسرا تسی انج جم کے بیٹھے ہو کہ جی میں برف جمع ہوندا ہے بالکل سم بک من بنے وہ بچے نے ماشاءاللہ اتنی پیاری تقریر کیتی ہے نا تسی مجال جے تس تماس ہوئے ہو انج کہ تہاڈے تے کوئی اثر ہو ہی نہیں رہا انج نہ کرو یار بے اکرامی ہوندی ایک بندے دی تہاڈا حق بنتا سی تسی انہوں داد دیندے تسی سبحان اللہ کہندے وہ دی حوصلہ افزائی کردے ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਜ਼ਾ ਖੈਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਥੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਬੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਦਈਏ
आज माशाल्लाह अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। हाथ उठा के एक बारी सारे साथी सुभान अल्लाह कहो। तुहाडी कोई सुस्ती लत्थे तुसीं दे इंज बैठे हो जनाब प्रोग्राम जो मकाई बैठे हो। हाले सहरी करनी है, बड़े बड़े खुतबा हाले बैठे ने तेनू आणगे जनाब, उन्हें तकरीरां सुनाणियां ने, तो माशाल्लाह जरा माहौल बनाओ। अल्लाह पाक तुहानू जज़ाए खैर दे। पर नारिया जोगे नहीं है गे, ये सुभान अल्लाह ही कह लैन तो बड़ी गल है। नारा ना लुआओ, नारा नहीं इन्हां कोल लगना है गा। ते लेकिन बहरहाल तवज्जो मेरी तरफ रखो। बंदा तवज्जो रखता है तो गल कोई पिड़ पल्ले पै जाती, कोई समझ आ जाती। तो जे बंदा तवज्जो ना रखे, मैं तेरे को पूछ लैना कुरान के हकूक किन्ने ने, हाले हुण पछा बयान करके गया तो तेनू पता नहीं जी होना। मतलब तुसीं गौर कीता ही नहीं, तुसी तवज्जो नाल गल सुनी कोई नहीं, उंज खेड तमाशा बनाया कोई बच्चा उठ के जा रहा है, कोई आ रहा है, इंज ना करो। तो बड़ी मेहनत नाल प्रोग्राम हुंदा है, इतनी दूर तो उलामा आए ने, तो लाइट बेशक चली गई है लेकिन तुहाडा हक बनदा है कि खुल के दात दो। तुसी तो लाइट तो नहीं ना चल दे, सुभान अल्लाह लाइट नाल आख्या जांदा है। सुभान अल्लाह तो बंदा बगैर बत्ती तो भी कह लैंदा ना यार, वो टिल तो मौलवी का लग रहा, टेल लग रहा मौलवी का स्पीकर तो बगैर, तो तुहाडा तां लग रहा। तैनू तो चाहिए सुभान अल्लाह कहना चाहिए, माशाल्लाह कहना चाहिए, तो तवज्जो पूरी रखियो। कहते हैं मौलवी आया तकरीर करन, तो जो बंदा तवज्जो ना ना रखे, बुजुर्गों गल की समझ नहीं आती, अद्धी गल सुन लेंदे ने, अद्धी पिछे वेख ली तो अद्धी गल की समझ आती, अद्धी की नहीं। पर मौलवी ने कहा कि जे जबाई आए ना जबाई, तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम पढ़ना, तो बंदा बैठा सी बेतवज्जो, उन्हें समझे जवाई आए थे पढ़ने, कौन आए थे जवाई आए। अगले दिन घर बैठा तो जवाई आ गया, उन्हें कहा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। जवाई परेशान, उन्हें कही मैं केड़ा गुनाह कर लिया, अज सहुरे ने मैंने वेख दे ला हौल पढ़ दिता मेरे ते। उन्हें कहा हजूर मैं ना आवा, मेरा आना तेनों बर्दाश्त नहीं। उन्हें कहा पुत्र तेरा अपना घर है, दिन आ रात आ। उन्हें कहा तो फिर लाहौल क्यों पढ़िया? उन्हें कहा तो कल मौलवी साहब दस के गए सन कि जवाई है तो लाहौल पढ़ना, इंज ना हो जाए तो लिहाजा तवज्जो रखनी चाहिए। ये तकमीले कुरान का मौका है, कलामे मुकद्दस अल्लाह दी ओ लारैब किताब है, जिदे अंदर कोई शक बोलो नहीं। सारे बोलो जिदे अंदर कोई शक नहीं, नहीं हो सकता। रब ने जिब्राईल अली सलातू वसलाम दे जरिए मेरे और तेरे महबूब पैगंबर आमिना दे दुर्रे यतीम अब्दुल्ला दे लखते जिगर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे कल्बे अतहर ते इस कलाम नू नाजिल कीता। और नाजिल केंज होया, बाकी नबियां ते भी किताबा नाजिल हुईया ने, लेकिन खुदा दी कसम है जिस तरह मेरे और तेरे नबी दी शान रब ने सारे नबियां तो आला रखी है, सब तो अफजल मेरा और तेरा नबी है, इसे तरह नबूवत रब ने हजरत आदम तो लैके हजरत ईसा तक सारे नबियां नू नबूवत दे ताज अता कीते ने, लेकिन जदो तेरे और मेरे नबी दी बारी आई रब ने क्या सोनिया बाकी सिर्फ नबी बन के आए ने, लेकिन तेरे सर ते मैं खत्मे नबूवत दा ताज सजावांगा। मेरे महबूब मैं तेनू इमामुल अंबिया दा मनसब अता करांगा, बाकी नबियां नू मैं उम्मता अता कीतियां ने, लेकिन उम्मत जड़ी मैं तेनू अता करांगा। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरी जत लिन्नास, ए मेरे महबूब मैं तेरे सर ते नबूवत भी सब तो आला रखी, मैं तेनू उम्मत भी सब तो आला अता कीती। मेरे महबूब मैं बीवियां ते बाकी नबियां नू भी अता कीतियां, लेकिन तेरी बीवी दी पाक दामनी नू मैं अपने पाक कलाम दे अंदर बयान कीता है। मेरे महबूब मैं बेटियां ते बाकी नबियां नू भी अता कीतियां ने, लेकिन जन्नत दी सरदार बेटी मैं तेनू अता कीती है। नवासे ते मैं बाकी नबियां नू भी अता कीते ने, लेकिन जैसे नवासे मैं तेनू अता कीते ने कि जन्नत दे सरदार ने जन्नत दे शहजादे ने, ऐसे नवासे मैं किसे नबी नू अता नहीं कीते। दामाद ते बाकी नबियां दे भी ने, लेकिन जैसा दामाद शेरे खुदा दी शक्ल दे अंदर उस्मान इब्ने अफान दी शक्ल दे अंदर मेरे महबूब मैं तेनू अता कीता है, बाकी नबियां नू मैं नहीं अता कीता। यार ते मैं बाकी नबियां नू भी
दोबारा शुरू करो जी यही लैब ने दोबारा वाटर आया दोबारा शुरू किया बत्ती को मन ही नहीं रहे तकरीर मैं भी अच्छे जजा कर ला अल्लाह पाक जजाए खैर अता फरमा तो जो खुदारा मैं अर्ज़ कर रहा सा कि नबुव्वत बाकी नबिया नू भी मिली लेकिन तेरे और मेरे नबी नू रब ने खत्मे नबुव्वत दा ताज अता फरमाया यार बाकी नबिया नू भी मिले लेकिन जेड़े यार रब ने मेरे और तेरे नबी नू अता कीते ने खुदा दी कसम है सारी कायनात दे अंदर ऐसे यार पैदा हो सकदे नहीं। वेखो ना हुण मैं मिसाल दे के तैनू समझावांगा तवज्जो खुदारा हज़रत मूसा अलैहि सलातु वसलाम दे भी यार सन मनन वाले सन ते उन्हां दे मन और सलवा नाजल हो रहा सी आसमाना तों खा रहे सन ते हज़रत मूसा ने कहा भई रब दा हुक्म है टुरो ते जहाद करना कहन लगे मूसा फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून ए लड़े लुड़े नहीं ते साडे कोल जाना खा पी सकने आ ए तू जाने ते तेरा तू जाने तेरा रब जाने साडे कोल नहीं जाया जा सकदा इधर तेरे और मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब अली सलातु वसलाम आप दे यार ने 313 यार ने ते खुदा दी कसम है पैरां दे अंदर जुतियां कोई नहीं हत्थां दे अंदर तलवारां कोई नहीं नेजे कोई नहीं जिरा कोई नहीं ते मेरे महबूब अली सलातु वसलाम आपने हुक्म दिता अल्लाह दे रस्ते दे अंदर जिहाद करना है सब तो पहले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला नू खड़े हुए कह लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्र नहीं करना असी अपनी जान दे दवांगे असी तेडे तक दुश्मन नू नहीं पहुंचन दवांगे मेरे महबूब ने फरमाया अच्छा अबू बकर बह जा मेरे नबी ने फिर मशवरा तलब किया हजरत उमर खड़े हो गए ने मेरे नबी दे दिल दी ख्वाहिश सी अनसार दे अंदरों कोई बोले ते हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला नू खड़े होए खड़े हो के कहन लगे सोनिया असी कोई बनी इसराइल वाले आ जिन्ना ने कह दिता सी मूसा तू जाने तेरा रब जाने मेरे मा
मेरे आका बैठे ने जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए कुरान लेके ना हजरत जिब्रील आ गए ते आके कहंदे ने सोणिया तवज्जो मेरी तरफ सोणिया आना जिब्रीलो पाकिस्तान भी तशरीफ लाए ने तनाथ खां भी तो बस हम दो चार मिनट मैं वैसे बड़ा वेट किया बत्ती ने हजरत एक घंटा तंग किया सन असं इतने हम बैठे सर डीक रहे सर लोग उठ के बाहर चले गए सन बड़े औखे इन्हों बुला बुलू के इतने लिया ये तो तवज्जो बस एक दो गल फिर शाह साहब आने मेरे नबी ते कुरान नाजिल हो रहे आए ते हुण कुरान दा नज़ूल शुरू हो गया मेरे आका नाल नाल पढ़दे ने हज़रत जिब्रील दे ताके ए कुरान याद हो जाए अल्लाह फरमांदे ने सोणिया जिब्रील दे पिछे पिछे ना पढ़िया करो जिब्रील ते कासिद बन के आंदा है जिब्रील उस्ताद बन के नहीं आ रहा मेरे आका कहंदे ने या अल्लाह सोने ऐ ते जिम्मेदारी मैं रब ने आप
अल्लाह दे जिक्र दे अंदर किदे अंदर अल्लाह दे जिक्र या अल्लाह तेरा जिक्र की है असि करिए ते सुकून मिल जाए। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरा जड़ा कुरान है ऐ मेरा जिक्र है ते मैं कह या अल्लाह कितना तेरा जिक्र करिए सुकून मिल जाएगा। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल लजीना आमनु ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतन वासीला सुबह शाम बंदिया मेरा जिक्र करया कर अगर तेनु सुकून दी जरूरत है अगर तेरी चाह देवे तेनु सुकून मिल जाए सुबह शाम मेरे कलाम दिया तिलावतां करया कर मैं रब तेनु सुकून अता कर दवांगा। करोगे इंशाल्लाह कोशिश कुरान पाक दी तिलावत दी अल्लाह पाक सारे नु अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा ना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।